Faraday's laws of EMI. Students, Faraday's laws of EMI to understand, we have to talk about the experiments जो फैराडे साहब ने किए और उन एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस है वही लॉ है. सिंपल. माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? स्टेशनरी मैग्नेट, नो डिफ्लेक्शन. मींस अगर हमारे पास मैग्नेट स्टेशनरी पड़ा है तो गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, राइट? सेकेंड लॉ, व्हेन द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल देयर इज अ डिफ्लेक्शन, व्हेन नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स द कॉइल करंट फ्लोस टुवर्ड्स राइट. आपको बताएंगे लेटर कि जब किसी भी कॉइल में करंट राइट डायरेक्शन में चलता है तो वो पोल उसका हो जाता है नॉर्थ, और जब लेफ्ट जाता है करंट तो होता है साउथ. लेकिन अभी आपने उसको अपने ब्रेन में नहीं रखना, अभी आपने सिर्फ ये चीज रखना है कि व्हेन नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स द कॉइल द करंट फ्लोस टुवर्ड्स द राइट. ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है. सेकंड ऑब्जर्वेशन, द नॉर्थ पोल मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल. जब नॉर्थ पोल कॉइल से परे जाएगा, दूर जाएगा, तो करंट फ्लोस टुवर्ड्स लेफ्ट. इज इट क्लियर? क्लियर क्या, ये तो एक ऑब्जर्वेशन है जो फैराडे साहब ने देखी और हम उसको बता रहे हैं. अगला ऑब्जर्वेशन क्या था? मूवमेंट्स ऑफ मैग्नेट इफ क्विक. अगर हम मैग्नेट को बहुत क्विकली मूव करते हैं तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर इज आल्सो वेरी वेरी लार्ज. क्या मतलब है इसका? ये ऑब्जर्वेशंस लेके उन्होंने लॉ बना दिया कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड अ कॉइल इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप. क्या इंड्यूस्ड करंट? द इंड्यूस्ड करंट लास्ट LASTS लास्ट सो लॉन्ग देयर इज अ रिलेटिव मोशन. अब आप पूछेंगे सर इंड्यूस का मतलब क्या है? जब टीचर आपको क्लास में मोटिवेट करता है थोड़ी देर के लिए आपके अंदर इंडक्शन आ जाती है, मैंने बाहर जाके पढ़ना है. पढ़ते भी होगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन जैसे ही टीचर चला गया वो इंडक्शन खत्म हो गई, ठीक है, मस्ती में आ गई. तो इंडक्शन का मतलब क्या है? इंडक्शन का मतलब है प्रेरण. हिंदी में पंजाबी में बोलते हैं उसको प्रेरणा लेना. यू आर इंड्यूस्ड. यस, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड अ कॉइल एंड इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप. दिस बोलो, दिस induced current lasts so long there is relative motion between the magnet and the coil. This is all about the Faraday's laws of electromagnetic induction. अब मैं इसको अगले वीडियो में मैथमेटिकली बताऊंगा, मैथमेटिकल फॉर्मेशन इसकी बनाएंगे और फिर उसमें बहुत सी और चीजें भी निकल के आएंगी. लेंज़ लॉ निकल के आएगा, उसका डायरेक्शन निकल के आएगा. I hope it is clear. Yes, sir. So, I believe in giving you small clips to revise quickly. Any question? No, sir. अब आप पूछेंगे induced EMF क्यों होती है? ये relative motion से क्यों होती है? अब वो जो क्यों है that makes the physicist in you. वो आपके अंदर एक physicist बनाता है. आपके अंदर. Yes. There are billions. Thank you.